हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल? आज आपके लिए चैलेंज वाला क्वेश्चन लाया हूं, और आप में अगर दम है और एकदम सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो इसमें 300 में से 300 सही सवाल का जवाब आप देकर दिखाओ, तभी मानेंगे कि आप रियली में सही पढ़ रहे हो और अपने माँ बाप का जो सपना पूरा करने वाला वो रियल में सपना पूरा करने वाले हो। इस 30 में 30 का सही सही जवाब दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा 30 में आपने कितना सही बनाया, और ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। अगर 29 होया तो 29 बताइएगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, एक विज्ञान का एकदम पावरफुल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आता भी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट, आप रेडी हो जाइए, और अगर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो, ठीक है। चलिए, आपका टाइम बिना टाइम वेस्ट किए आपके यहाँ पे सवाल आपको दिख रहा, बहुत बड़ी बात है कि सवाल में बाय लक इंग्लिश के भी यहाँ पे दिया हुआ, तो आप देखें थोड़ा सा, कोई इंग्लिश वाला बच्चा हो तो समझ सकते हैं। सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? बहुत ही सिंपल सवाल, किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक किस दर्पण की होती है? तो बोलेंगे उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल की ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है ना? कार्य यानी कि वर्क, वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, जूल, वोल्ट। तो कार्य का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, क्या होगा? जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जूल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ पे, किस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है सबसे ज्यादा होता है? किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, या नारंगी रंग का? तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा होता है? तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है लाल रंग का, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है। और अगर नारंगी रंग की बात करें तो नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है, लाल रेड कलर का तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल करते हैं खतरे का साइन के रूप में, ठीक है ना, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होने की वजह से, और बैंगनी का बहुत कम होता है। फिर देखिए सवाल आता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? पावर, मतलब पावर के बारे में बोला गया कि पावर का एसआई मात्रक क्या होगा? देखिए ऑप्शन जूल, वाट, कूलाम, एम्पियर, क्या होगा इसका आंसर फटाफट बताइए। तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, क्या होता है? वाट। कहां गया भाई, यहाँ तो ऑप्शन भी नहीं दिया, ओहो, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, माफ कीजिएगा, वाट होगा, ठीक है ना, वाट होगा। तो वोल्ट तो विभवांतर का है, वोल्ट ना, कूलम तो आवेश का है, एम्पियर तो धारा का है, जूल तो कार्य का है, तो हमारा आंसर वाट होगा। फिलहाल आप देखिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे क्या होता है, अगला सवाल क्या है, हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहां से निकलता है ये जानिए, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, या बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है, या नलिका से निकलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो हार्मोन कहां से निकलता है, आपको याद करना, हार्मोन जो निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है ना, और बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलता है एंजाइम। तो आपको याद हो गया एंडोक्राइन, देखिए इसे बोलते हैं इसको एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। नेक्स्ट यहाँ पे नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओके, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल, एग्जाम में आया हुआ सवाल और आने वाला भी सवाल है। देखिए फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट। तो क्या होगा, नीला कलर का कौन होता है? कॉपर सल्फेट जो होता है वो नीला कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं नीला थोथा, और पांच भाग पानी भी होता है, इसको भी आपको याद रखना ध्यान से, ठीक है। तो आगे सवाल देखते हैं क्या बोलते हैं, अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? देखिए बड़ा अच्छा सवाल आ गया, अमोनिया गैस का सूत्र क्या होता है? NH, NH2, NH3, NH4। अमोनिया गैस समझते हैं ना, अमोनिया गैस का फॉर्मूला होता है NH3, क्या होगा? NH3 जो है अमोनिया का फॉर्मूला है, अमोनिया का सूत्र है, क्लियर। देखिए सवाल बोलता है कौन विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपको बताना है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलेगा? विद्युत बल्ब, हीटर, मोटर, डायनमो, कौन बदलेगा? देखिए विद्युत बल्ब में जब हम करंट डालते हैं ना, तो क्या बोला, विद्युत ऊर्जा ना, हाँ, जब हम करंट डालते हैं तो लाइट निकलता है, इसलिए बोलेंगे बल्ब हमारा राइट आंसर होगा। हीटर क्या काम करता है? हीटर जो है विद्युत जब डालता है तो वो उष्मा निकालता है, उष्मा, देखते हीट हो जाता है, तो हीटर जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा बदलता है, और मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा बदलता है, और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है। ये चारों पॉइंट आपके लिए एकदम कैप्सूल की तरह काम करेगा, कैप्सूल की तरह। आइए, बोला गया यहाँ पे क्या, पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण के विपरीत वृद्धि क्या कहलाता है? पौधों की जड़ों का गुरुत्वाकर्षण जो जा रहा नीचे में, उसका उल्टा वृद्धि कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा।
गुरुत्वाकर्षण नीचे जा रहा और उसका उल्टा वृद्धि कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रकाशानुवर्तन। क्या बोलेंगे, क्योंकि प्रकाश की ओर ऊपर उड़ेगा, ऊपर उठते जाएगा तो प्रकाश की ओर जा रहा तो प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्व की ओर जा रहा तो गुरुत्वानुवर्तन, अगर पानी कहीं पे है तो बोले जलानुवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब तक सभी बच्चों ने सही से आंसर दिया होगा। हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं, हाइड्रोजन की बात आ गई तो हाइड्रोजन के दो परमाणु के बीच सिंगल 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 एक आबंध होता है, कितना, एक बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर बोला जाएगा ऑक्सीजन तो दो बॉन्ड होगा, अगर नाइट्रोजन बोलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहां पे आपको एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बोल देगा, कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, कौन सा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी कि असंतृप्त समझते ना, असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दोनों आएगा, तो असंतृप्त कौन होगा, यहां पे देखिए ये मेथेन है, ये क्या है मेथेन, तो मेथेन तो संतृप्त हो जाएगा, ये एथेन है, क्या है एथेन, ये भी संतृप्त होगा, और ये है एथीन, ये क्या है एथीन है, तो एथीन क्या हो जाएगा असंतृप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बोलता है निकेल का परमाणु संख्या बताना, निकेल, निकेल का परमाणु संख्या क्या होता है, देखिए निकेल का परमाणु संख्या क्या होता है 28, 79, 26, 53, तो बोलिए निकेल का परमाणु संख्या कितना होगा, निकेल का परमाणु संख्या 28 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। वैसे आपको लोहा का याद करना, लोहा का बहुत बार पूछा है 26 होता है, गोल्ड का आपको याद करना है, गोल्ड का कितना होता है सोना यानी कि 79 होता है। चलिए आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, किस लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, बताइए कौन सा लेंस जिसको अपसारी मतलब प्रकाश को फैलाने वाला कौन सा लेंस होगा, वो लेंस होगा कोई और नहीं बल्कि अवतल लेंस होगा, और उत्तल लेंस को बोलते हैं अभिसारी, कन्वर्जिंग, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं डायवर्जिंग, क्या बोलते हैं डायवर्ज कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे सवाल, आधुनिक आवर्त के नियम की खोज किसने की, बहुत अच्छा सवाल है भाई, आधुनिक आवर्त यानी कि अभी जो लोग आवर्त सारणी बना रहे ना उसकी खोज किसने की, उसकी खोज किसने की थी, मेंडलिफ ने, मोसले ने, डोबेरेनर ने, न्यूलैंड्स ने, लेकिन आधुनिक बोला गया है, अगर आवर्त सारणी बोला गया कि आवर्त सारणी का खोज किसने किया था तो आवर्त सारणी का खोज बोलेंगे मेंडलिफ को, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी बोला गया तो मोसले। ठीक है, अगर बोलेगा आवर्त सारणी को किसने खोज किया तो बोलेंगे मेंडलिफ ने, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे बना रहे हैं पीरियोडिक टेबल उसको किसके बारे में बोलेंगे, मोसले के बारे में बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए सवाल, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलता है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, तो यहाँ पे दो तीन सवाल SI मात्रक वाला आ गया, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कुलाम, क्या होगा विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, कुलाम, कुलाम जो होता है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है जी। चलिए आगे देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में कौन सा धातु है जो एक रूम का टेम्परेचर में ना वो नॉर्मल एक लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा है, Hg मतलब पारा, Br मतलब ब्रोमीन, S बोले तो सल्फर, Na बोले तो सोडियम, क्या होगा पारा, ये क्या है, ये है अधातु, अगर बोलेगा ना यहाँ पे कि कौन सा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है तो ब्रोमीन बोलिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कौन एक लिंगी पुष्प है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल पूछा गया सवाल और पूछा जाने की बहुत ज्यादा संभावना है, कौन एक लिंगी यानी कि सिर्फ एक ही लिंग उसमें है ना, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो एक ही लिंग है, और वो कौन है, पपीता का पुष्प है, पपीता फूल, कौन है, पपीता फूल होगा, बाकी गुड़हल और सरसों, गुलाब, ये द्विलिंगी होता है। ठीक है, द्विलिंगी होता है। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे क्या है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का यानी कि कचरा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है, सजीव यानी कि मानव या कोई जीव जंतु हो गया, अपने बॉडी से किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ को क्या करता है, यानी कि कचरा को उत्सर्जन करता है, वेस्ट को बाहर निकालता है, और वो क्या, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है, ये सभी जो है हमारे बॉडी से वेस्ट पदार्थ यूरिन के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है ना, हु कंट्रोल द साइज ऑफ द पिपिल, कौन करता है पुतली के साइज को कंट्रोल, कौन करता है, पक्षमाभी, परितारिका, नेत्रलेंस या रेटिना, कौन करेगा पुतली के साइज को कंट्रोल, कौन करेगा, वो करेगा परितारिका यानी कि आयरिस, कौन करेगा,
आयरिस करेगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, आयरिस होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। देखिए किस विलियन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, तो कौन सा विलियन है जिसको दीवार को सफेदी करते हैं, पेंट करते हैं व्हाइट व्हाइट, वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, बुझा हुआ चूना, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, लवण का जलीय विलयन क्या होता है, जो लवण होता है ना Na2CO3, ये क्या है, ये है धोने वाला सोडा, वाशिंग सोडा है। और वाशिंग सोडा का देखिए कभी कभी नहाते होंगे, साबुन चल जाता है मुंह में या सर्फ वगैरह, तो कड़वाहट उसमें लगेगा, ठीक है ना, तो ये होता है क्षारीय होता है, कैसा होता है, क्षार, और क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से ज्यादा होता है, ठीक है। आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसको नहीं मालूम ये वाला सवाल है, जाइलम जल, देखो जा जा जाइलम जल के लिए, जाइलम किसके लिए, जल का वहन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम करता है हाँ भोजन का वहन करता है फ्लोएम। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, सवाल बोला गया कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, मतलब पत्ती जो मुरझाता है ना पेड़ पौधे में, जो कौन सा जिम्मेदार है, कौन सा हार्मोन है, ये सभी हार्मोन जो है पादप हार्मोन है, और इसमें एब्सिसिक एसिड जो है वो पत्तियों को मुरझाने में मदद करता है, और ये हार्मोन आदमी बना भी सकता है, कृत्रिम भी होता है, तो अगर आदमी बना देगा और कोई जंगल में इसको छिड़क देगा ना, तो पूरा जंगल के पत्ती पेड़ मर जाएगा, जैसे पत्ती मुरझा जाएगा तो पेड़ भी तो मर जाएगा ना, अक्सर तो ऐसे ही होता है, तो ये होता है एब्सिसिक एसिड, जो कि बहुत खतरनाक भी होता है। आप सोच सकते हैं आधुनिक आवर्त सारणी कितने ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, आजकल के जो आवर्त सारणी पढ़ रहे उसमें ऊर्ध्व स्तंभ कितना है, यानी कि खड़ा वाला वर्ग, वर्ग कितना है, तो वर्ग टोटल 18 है, और आवर्त बोले ना कितना आवर्त है, आवर्त कितना है, आवर्त है 7 आवर्त है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है, स्त्रियों के बारे में बोला गया, तो स्त्रियों में जो लिंग गुणसूत्र होता है ना, तो वो कौन होता है, डबल एक्स, ये दोनों एक्स होता है, वो लिंग गुणसूत्र होता है, और ये किसमें होता है, ये होता है पुरुषों में होता है, ठीक है। चलिए एक्स वाई पुरुषों होगा, एक्स एक्स होगा स्त्री में होगा। अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, देखिए ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग, जैसे कोई मेरे पास कोई मशीन है, ठीक है ना, मान लेते कि फैन है, अब फैन में जितना क्षमता है ना उससे ज्यादा वोल्टेज का बिजली अगर घर में आ जाएगा तो ओवरलोडिंग हो जाएगा ना, और पावर ज्यादा वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगा तो पंखा बंद हो जाएगा, जल जा सकता है, तो इसको बोलते हैं ओवरलोडिंग हो जाना। तो ऐसे क्या होगा, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और शॉर्ट सर्किट में भी ही होता है, जब दो तार सटता है ना तो सटने पर धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और प्रतिरोध बहुत मतलब जीरो हो जाता है, और वैसे में चांस क्या होता है, जल जाने के चांस होता है सामान वगैरह का, तो दोनों में धारा का मान बढ़ेगा, चाहे शॉर्ट सर्किट हो चाहे हाँ अतिभारण या लघु पतन, दोनों में होता है। आगे बोलता है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक कौन होगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक हो जाएगी, ठीक है, ये तो नॉर्मल सवाल था। रुधिर का कौन सा अवयव जो है रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, रुधिर यानी कि ब्लड का कौन सा पार्ट है जो खून को जमने में मदद करता है ना, जैसे खून मतलब रक्त को रक्त बहता है ना तो जमने में मदद करेगा, वो कौन है, प्लेटलेट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं रक्त पट्टी कानू, क्या बोलते हैं, रक्त पट्टी कानू, या बिंबाणु भी बोलते हैं, रक्त बिंबाणु भी कहीं कहीं लिखा रहता है। आई थिंक ये अगला सवाल होने वाला 29 नंबर, किस सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो केरल राज्य है, केरल में का तो पानी को जमा करने का जो व्यवस्था है ना उसको सुरंगम बोलते हैं, जैसे हमारे बिहार में क्या बोलते हैं, आहर बोलते हैं, पोखर बोलते हैं, बोलते हैं ना पोखर है, आहर है, नहर है, तो सुरंगम बोलते कहां, केरल में, वही चीज को केरल में सुरंगम बोला जाता है, और हम बिहार में क्या बोलते हैं, आहर बोलते हैं चाहे पोखर बोलते हैं, ठीक है, तो वही उसमें है, बस नाम अलग है। आगे बोलते हैं पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, हमारे पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, वो हो जाएगा गोंद टैनिन रेजिन, ये सभी का जगह उत्सर्जी पदार्थ, ये सभी सभी क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो मैंने आपको बताया है। अब डोंट वरी, इसका मैं पीडीएफ भी आपको देने वाला हूं, सबसे पहले जाने कि हमारा पेड बैच में अगर जो नहीं जुड़े पेड कोर्स में, अगर जुड़ना चाहते हैं पेड कोर्स में एकदम अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज पूरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो वीडियो के साथ और उसका नोट्स लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपका मोबाइल, हमारा मोबाइल नंबर देखिए 8242 42320, ये हमारा
मोबाइल नंबर है और इस पे आप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं मेरे से या तो कोई असिस्टेंट से अगर मैं रहा प्रेजेंट उठा लूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा सभी क्वेश्चन का, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब का, प्लस नोट्स अलग मिलेगा। नोट्स में ऐसा है होगा नोट्स जो आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा, नोट्स पढ़ेंगे सारा मैटर हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, लाइव क्लास भी एप्लीकेशन पे मिलेगा। वो ऐप हमारा कौन है, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन जो कि आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर। अब आइए हम बताते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। सब लोग बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को, ठीक है। तो नंबर नोट कर लिए आप लोग, हाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो आपको बेसिकली करना है अपना मोबाइल, अपना गूगल खोलना है, मोबाइल में गूगल में लिखना आपको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ठीक है ना, ये खुल जाएगा। ऐसे खुलने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, देखिए ध्यान से खुल जाएगा अपने मोबाइल को, गूगल में खोलेगा इसका पीडीएफ आंसर के साथ मिल जाएगा। इसके बाद जाना देखो यहीं पे मिलेगा आपको डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पे क्लिक करना आपको, इसे बहुत कुछ आपको बता रहे हैं डाउनलोड पीडीएफ है। आइए यहां पे जाने के बाद देखो आप बहुत सारे पीडीएफ डाला हो यहाँ पे, बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पे अपडेट अभी नहीं हुआ, आप अपडेट मतलब जब करोगे ना तो आपको अपडेट मिल जाएगा और यहाँ पे डन हो जाएगा, यहीं पे आया रहेगा 30 क्वेश्चन का। ओके यहाँ पे जाओगे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी मैं अभी कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे फिर आपको एक और फायदा, यहाँ पे डेली टेस्ट भी होता है। डेली टेस्ट पे जाओगे ना तो आपका हर सब्जेक्ट का डेली टेस्ट होता है, वो भी फ्री में होता है टेस्ट, देखिए, और उसका रिजल्ट भी मिलता है भाई। देखिए यहाँ पे नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए आज नॉन हिंदी का टेस्ट हो रहा है बच्चों का, बाकी पुराना सारा टेस्ट का लिस्ट इसमें भरा हुआ है, आप जाके टेस्ट वगैरह देख सकते हो, दे सकते हो। यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमारा डेली टेस्ट का रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे डाला हुआ है, मॉडल सेट जो मेरे द्वारा बनाया वो भी, और जो बिहार बोर्ड ने पिछले 4-5 साल से मॉडल सेट जो दे रहे वो भी यहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ, डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी चैप्टर वाइज आपको रिवीजन करना है तो बहुत अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं सोशल साइंस को ओपन करता हूँ देखो रिवीजन कितना अच्छा से होगा, आपको रिवीजन करना चाहिए मेरे ख्याल से। और यहाँ पे सोशल साइंस में आइए, देखिए नीचे देखिए चैप्टर वाइज है ना, भारत में राष्ट्रवाद है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद यहाँ पे देखो रीड, यहाँ पे पढ़ने का, यहाँ पे टेस्ट देने का, इसको खोलिएगा ना तो आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, मतलब वहां पे क्वेश्चन आंसर सब दिया रहेगा, देखिए आप पढ़ सकते हैं, देखिए क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है ना, क्वेश्चन आंसर सब देखो टिक लगा हुआ है, तो ये पढ़ने के लिए है और आपके मैंने टेस्ट के लिए मैं इंतजाम किया यहाँ पे, देखिए पढ़िए और जाकर पढ़ लिए तो टेस्ट दीजिए आप आगे, देखो टेस्ट देते हैं और कितना अच्छा से खुलेगा यहाँ पे, देखिए टेस्ट दे देंगे। आइए यहाँ पे आपके लिए है प्रैक्टिस, देखिए इटली जर्मनी वर्तमान किस महादेश में आते हैं, तो आप मार दीजिएगा पश्चिम तो बोलेगा नहीं तुम गलत मारो, ये वाला यूरोप वाला सही होगा, ठीक है ना, तो इससे आपको पहचान हो जाएगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। इससे होगा क्या सर, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनेरी से, मारो फटाक सा सही हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे जाके सभी चैप्टर का टेस्ट वगैरह दे सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, अपनी तैयारी को एकदम बेस्ट बनाओ। ओके और जो मैं आपसे सवाल पूछा हूँ, यानी कि जो 30 सवाल पूछा हूँ, उस 30 में से आपने कितना सही बनाया है उसका भी मुझे जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके बाकी मेरा, मैं अपना मोबाइल नंबर तो लिख दिया हूँ, फिर भी मैं लिख दूंगा, चाहे तो आप हमारा नोट्स वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, लास्ट करते वीडियो को, ओके बाय।